हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही चीज़ देखी है। कभी भी भूल कर भी अपनी वीडियो को डिलीट मत करना। अब इससे चैनल पर आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको लाइव प्रूफ पहले तो दिखाने भी वाला हूँ कि आखिरकार आप अपनी वीडियोस को डिलीट करते हैं तो उससे आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार हम अपनी वीडियोज़ को डिलीट क्यों करते हैं, आखिरकार कौन कौन सी वजह बनती है जिससे हमें अपना वीडियो डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वजह है कि कॉपीराइट क्लेम। मान लीजिए आपने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो दोस्तों बहुत से नए नए क्रिएटर्स क्या करते हैं कि उस वीडियो को सीधा डिलीट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि कॉपीराइट क्लेम को हटाया भी जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाया जा सकता है। तो नए नए क्रिएटर्स यही गलती करते हैं, वो अपनी वीडियो को डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। तो भूल कर भी आपको इस तरीके से वीडियो डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि इस तरीके से आप वीडियो को डिलीट करते हैं तो आपके चैनल पर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला कारण कि आपको अपनी वीडियो को डिलीट क्यों करना पड़ता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे कारण की तरफ। दूसरा जो कारण है दोस्तों, व्यूज की समस्या, यानी कि आपकी वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आता है तो आप अपनी वीडियो को डिलीट कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई वीडियो अपलोड किया और उस पर 0 व्यू, 5 व्यू, 10 व्यू या 20 व्यूज तक ऐसे आए, और आपके जो रेगुलर व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं 100 या 200 या 300 व्यूज़, तो आप क्या करते हैं कि उस वीडियो को डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वीडियोस को डिलीट करने से आपके चैनल पर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों, नए नए क्रिएटर्स यही गलती कर देते हैं और ये सबसे बड़ी वजह है वीडियोज़ को डिलीट करने की, क्योंकि दोस्तों व्यूज नहीं आता है तो नए नए क्रिएटर्स अपनी वीडियोज़ को डिलीट कर देते हैं और वहाँ पर चैनल आपका बर्बाद होता है। इस वजह से दोस्तों आपका चैनल बर्बाद होता है। अब दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिरकार वीडियोस को डिलीट करने से आपके चैनल पर इफेक्ट क्या पड़ता है, और मैंने भी यहां पर वीडियोस को डिलीट किया था और मेरे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जिससे दोस्तों आपको यहां पर सब कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आखिरकार वीडियोस को आपको डिलीट कैसे करना है और करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, ये तो हो गई दो वजह, और दोस्तों कई सारी वजह है, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया, वहां पर यूट्यूब आपको खुद रिकमेंड कर देता है वीडियो को हटाने के लिए, यूट्यूब खुद ही उड़ा देगा वहां से आपकी वीडियो। तो दोस्तों, ऐसी कई सारी वजह हैं जिनसे आपको वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर यह दिखा देता हूं कि आखिरकार वीडियोस को डिलीट करने से आपके चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अपनी वीडियोस को डिलीट करने से हमारे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं चलता हूं अपनी YT Studio ऐप में। YT Studio ऐप में आने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों, इस पर 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और व्यूज भी अच्छे खासे हैं, 3.2 मिलियन लास्ट 28 डेज में। और दोस्तों देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने यहां पर 15 घंटे पहले अपलोड किया उस पर 13,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अब दोस्तों, यहां से मैंने वीडियोज को, काफी सारी वीडियोज को डिलीट किया था, और वजह क्या थी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और ये चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हो चुका था। इसको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इस आखिरकार क्यों रिजेक्ट हुआ था। तो मैंने यहां से उन वीडियोस को डिलीट किया। अब उन वीडियोस को डिलीट करने से आखिरकार मेरे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाते हैं अपने कंटेंट वाले ऑप्शन में। कंटेंट में आने के बाद हम आते हैं शॉर्ट वाले सेक्शन में, और यहां पर देखिए दोस्तों, अभी भी मेरी 2-3 वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिनसे दोस्तों मुझे यहां पर ये चैनल है जो मोनेटाइज नहीं हुआ है उनकी वजह से। तो आप देख सकते हैं, ये वाली वो वीडियोज हैं, इनकी वजह से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, और इन्हीं वीडियोज ने मेरा चैनल है ये ग्रो किया है। आप देख सकते हैं, 1.7 मिलियन, 2.3 मिलियन, 4.1 मिलियन, 1,27,000, इन्हीं वीडियोस ने मेरा ये चैनल उठाया है। आप देख सकते हैं यहां पर 62,000, तो इनकी वजह से चैनल उठा था, और लेकिन यही वो वजह है जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैंने यहां से बहुत सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया है। आपने मेरी पहली कई सारी वीडियोस में देखा होगा, मैंने बहुत वीडियोस इस चैनल पर डाली थी। लेकिन दोस्तों, अब मैंने उन वीडियोस को डिलीट किया है तो आखिरकार मेरे चैनल पर इफेक्ट क्या पड़ा है। सबसे पहले दोस्तों, आप देखिए, यहां पर हम चलते हैं एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहां पर अब आप देखिए, मैं अपने ग्राफ को ओपन करता हूं। इस ग्राफ में आप देखिए कि मेरे व्यूज कहां पर थे। आप देखिए, यहां पर व्यूज थे और वीडियोज को मैंने
जैसे जैसे डिलीट किया तो मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। ग्राफ डाउन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर उठा भी था, लेकिन दोस्तों फिर डाउन हुआ और फिर उठा, लेकिन दोस्तों उसके बाद तो यहाँ पर बिल्कुल चैनल बर्बाद ही हो गया। आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर 28 डेज में 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन दोस्तों जब मैंने वीडियोज़ को डालना स्टार्ट किया तो यहाँ पर 10 मिलियन मेरे 28 डेज में व्यूज़ जा रहे थे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार वीडियोज़ को डिलीट करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे चैनल पर। व्यूज़ बिल्कुल यहाँ से ग्राफ किस तरीके से डाउन हो गया है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर डाउन हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर ही नहीं जा रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर साइड में आते हैं, वॉच टाइम है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आ रहा है तो वॉच टाइम तो बढ़ेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और लास्ट 28 डेज में आप देखिए यहाँ पर 1.3 मिलियन व्यूज़, 6,72,000 व्यूज़, लेकिन दोस्तों हम रियल टाइम व्यूज़ देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 70,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने वीडियोज़ बनाई थी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया है शॉर्ट वायरल कैसे करें, उन वीडियोज़ में भी बताया है कि यहाँ पर दोस्तों हमारे 12 लाख व्यूज़ आए हैं रियल टाइम व्यूज़। तो दोस्तों यही वजह है वीडियोज़ डिलीट करने की जो मैंने आपको पहले बताई हैं। और आपको वीडियो डिलीट क्यों नहीं करनी आप देख चुके हैं यहाँ पर, आपका जो चैनल है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, आपका चैनल उठेगा ही नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राफ कितना ज़्यादा डाउन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियोज़ को डिलीट करने से आपके साथ यही होगा, आपका चैनल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा बिल्कुल। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन जा चुका है। अब दोस्तों मैं इस ग्राफ को आपको लास्ट यहाँ पर 90 डेज के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। 90 डेज पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ग्राफ कहाँ पर था मेरा, यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियोज़ को ट्रिक लगाना स्टार्ट किया था शॉर्ट पर और मेरा ग्राफ यहाँ पर अच्छा खासा उठा भी था, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मैंने वीडियोज़ को डिलीट किया तो मेरा ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप वीडियोज़ डिलीट करते हैं तो आप डिलीट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका चैनल है वो बर्बाद हो जाएगा। एक दो वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तों आप रेगुलर वीडियोज़ डिलीट करते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से कि आखिरकार ग्राफ कहाँ जा रहा है, हमारा ग्राफ जा कहाँ रहा है। आप देखिए पूरे ग्राफ मेरे डाउन है, सब्सक्राइबर्स के हो गए, चाहे वो व्यूज़ के हो गए, चाहे वॉच टाइम के हो गए, तो आपके भी ग्राफ इसी तरीके से डाउन हो जाएंगे अगर आप अपनी वीडियोज़ को रेगुलर डिलीट करते रहेंगे। आप अपनी वीडियोज़ को डिलीट करना बंद करिए, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ ऊपर नीचे होते रहेंगे, आपको उससे टेंशन नहीं लेनी है। और व्यूज़ की जो समस्या है ना कि व्यूज़ ना आने पर वीडियो को डिलीट करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपको वीडियो कभी भी डिलीट नहीं करनी है। हाँ, हो सकता है कि आपको वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो, उस वजह से आपको वीडियो डिलीट करना पड़े, तो एक दो वीडियो डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर वीडियोज़ को डिलीट करेंगे तो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से कभी भी भूल कर आपको अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं करना है। अगर आप इन वजह से अपनी वीडियोस को डिलीट कर रहे हैं तो आपको वीडियो डिलीट नहीं करना है। एक दो वीडियो आपने डिलीट कर दिया तो हो सकता है कि आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, लेकिन दोस्तों आप दिन ब दिन अगर वीडियो डिलीट करेंगे तो आपका चैनल है वो बर्बाद हो जाएगा, डेड हो जाएगा। आपके चैनल पर ना तो एक भी व्यूज़ आएगा, ना एक भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियोज़ को डिलीट नहीं करना है। एक दो वजह हो जाती हैं कि आपकी वीडियो को डिलीट करना पड़ सकता है किसी भी चांस से, तो एक दो वीडियो से आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप रेगुलर वीडियोस को डिलीट करेंगे तो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, आपका चैनल डेड हो जाएगा, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।